नमस्कार दोस्तों, ग्रीन लाइफ में मैं नगर खाना आपका स्वागत करता हूँ। वैसे हैं दोस्तों, मैं ना एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक मज़ेदार है, मतलब आप लोग को भी हंसी आएगी। ये जो न्यूज़ है, रुआ बांधा और मरोदा दुर्ग को जोड़ने वाली सड़क है, अभी फ़िलहाल में बनी है। आप देखिए, ये बनी है रोड, है ना। इसमें जो छत्तीसगढ़ के इंजीनियर हैं, कमाल के इंजीनियर हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आपको एक अजीबोगरीब एक कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर आप बोलोगे ना, बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर, उनका वो दिखाऊंगा, है ना। आप लोग बोलोगे कि गजब के इंजीनियर भाई, गजब के। ठीक, ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड, ये जो है ना, ये उतई और रुआ बांधा होकर दुर्ग जाने वाली रोड है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कुछ टाइम पहले, मतलब एक साल के लगभग की बात है। तो उसके किनारे किनारे ये नाली बनाया गया है। देखो, ये नाली पानी निकासी के लिए नाली बनाया गया है, ठीक। और इसमें इंजीनियर लोगों का दिमाग देखो, है ना। इन लोगों ने पहले क्या किया, ये नाली के पास में ये देखो, ये एक ठो देखो जगह छोड़ दिए हैं पेड़ को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पेड़ को बचाना चाहिए, वेरी गुड। बट मैं ये सोच रहा था कि पानी जब इसमें आएगा तो किधर जाएगा, मतलब इसमें से उधर जाएगा कि इधर निकल जाएगा। ऐसे करके जितने भी पेड़ हैं ना, ये तो आप देखो, कुछ कुछ पेड़ बीच में आ गए हैं। उस पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने इस तरीके का काम किया, ठीक। देखो, ये तो खैर पेड़ बचाए, इनको इन्होंने बना दिया, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखो, कई तो पेड़ ऐसे हैं कि जो बीचों बीच आ गए हैं, है ना। आगे दिखाऊंगा आपको, बीचों बीच आ गए हैं, और कई जो हैं वो, मतलब उसके लिए जगह छोड़ दिया गया है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो पानी किधर जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये जो है ना, ये पेड़ जो है अभी तो छोटा है, जब ये बड़ा होगा, इसका ट्रंक मोटा होगा, है ना, क्योंकि ये लगभग बरगद का पेड़ है मेरे ख्याल से। अब मोटा होगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, फिर यहाँ पर पानी रुकना बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका, मतलब ऐसा लगता है ना कि जल्दी जल्दी काम करो और घर भागो, ऐसा वाला इनका काम रहता है। ये देखो, इस तरीके का ये काम है। देखो, ये अब बीचों बीच पेड़ आ गया है, अब इसको कैसे ये बनाएंगे, क्या करेंगे, इतना जगह छोड़ दिए हैं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक सवाल है। ऐसे लाइन से बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ बीच में एक और पेड़ आ गया है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मतलब आप काम कर रहे हो तो, मतलब उसको अच्छे से करो, उसमें कुछ लॉजिक लगाओ। ये इन लॉजिक वाला काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इंजीनियर लोग का क्या काम है, वर्कर लोग का क्या काम है कि ठेकेदार ऐसा बनाया है। ठेकेदार भी पढ़ा लिखा है कि नहीं है लिखा है, मतलब दिमाग है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जनता का पैसा आप इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात है, बर्बाद कर रहे हैं ना, बर्बादी तो बोलेंगे। तो ये जो जो जगह है आप में, इसमें ये देखो, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था, तो काटा गया था तो उसका फिर पौधारोपण अभी तक हो नहीं पाया, है ना। पेड़ तो आप काट दिए, तो पौधे का रोपण नहीं हुआ है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ कट गए हैं, है ना, उसका कोई जानकारी नहीं है, कुछ ये नहीं है। अब यहाँ पेड़ कट तो गए हैं, उसको बनाना भी, उगाना भी हमारा काम है, है ना। वन विभाग, संरक्षण, ये सब जो है उन लोगों को देखना चाहिए ये। लेकिन बहुत बड़ा मिस्ट्री है। एक चीज़ और है, यहाँ पर आओ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक ठो इनका गजब का इंजीनियरिंग, देखो गजब का इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ जाली लगा दिए हैं। अब ये पानी किधर जाएगा, क्या होगा, ये जाली क्यों लगाए हैं, इसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, सब समझ के पल्ले, समझ के बाहर, कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है, देखिए ये जो पेड़ गिरा हुआ है कटा, इसको उखाड़ दिया गया था, काट के उखाड़ दिया गया था। तो यहाँ पेड़ लगने चाहिए,
इतनी है, यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ को काट दिया गया है, तो यहाँ लगना चाहिए पेड़। इसी तरीके से हमें प्यार दीजिए और हमें और भी लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को, और हमें बहुत ज़्यादा आप प्यार लाइक करके शेयर करके हमें हमारे क्या हौसला को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मैं शिव कुमार सिंह के साथ निजर खान आपसे।